कहा कि CAA और NRC का मामला तो इतना आसान है कि उसे आजकल बच्चे भी समझ रहे हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा, मैंने वो CAA और NRC के एक जुलूस में नारे लगा रहा था, मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी क्या समझ में आ रहा है, ये CAA क्या है, NRC क्या है? तो उसने कहा CAA ये ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेना। और मैंने कहा बेटा NRC का क्या मतलब है? बोले NRC का मतलब यह है कि जैसे अपने बच्चे को लात मार के घर से बाहर निकाल देना। तो आजकल बच्चे भी समझ रहे हैं। अब मैं आपसे उस शख्सियत की मुलाकात कराने जा रहा हूं। जी जी, ये जो एहतजाजी मुशायरा आपके लिए सजाया गया, इसमें जाहिर है कि आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी हुई। पूरी जिंदा दिली के साथ तमाम शायर और कवियों ने आपके जज्बात को शायरी बनाकर आपके बीच पेश किया। मैं यहां अब उस शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो पिछले 45 दिन से एक भी दिन अपने बिस्तर पर नहीं सोया। वो शायर जिसने रोज किसी ना किसी शहर के प्रोटेस्ट में आपकी आवाज बनकर आपके जज्बात की तर्जुमानी की। और एक बात अगर मेरी तवज्जो के साथ सुन ले, एक बात मैं आपको तवज्जो के साथ बताना चाहता हूं। आज लखनऊ में जब 26 जनवरी का जब प्रोटेस्ट का मौका था, घंटाघर में इमरान को पहुंचना था, लखनऊ के पुलिस कप्तान ने, और आजकल तो कमिश्नर है वहां, कमिश्नर ने फोन करके इमरान को बोला कि इमरान साहब अगर आप लखनऊ में आएंगे तो हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। इमरान उसके बावजूद लखनऊ में पहुंचे और आज लखनऊ में घंटाघर के मैदान में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जमा होकर उस जालिम हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। तो आइए इमरान से समझते हैं। हेलो, आप लोग शांति से सुने इमरान भाई को। CAA, NRC और NPR के खिलाफ इस एहतजाज में आपका अपना नुमाइंदा इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर आ गए। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। जोरदार तालियां दोस्तों, इमरान भाई के लिए जोरदार तालियां। तालियां कमजोर है आपकी, तालियां कमजोर है आपकी दोस्तों। सलाम करता हूं आपकी मौजूदगी को। आज लखनऊ में, कल शाम लखनऊ में पुलिस ने हमारी माओं पर, बहनों पर जब जुल्म किया तो मैंने ऐलान किया कि मैं कल लखनऊ आ रहा हूं, यानी कि आज 26 जनवरी को। मुझसे कहा गया कि इमरान अगर लखनऊ आओगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैंने कहा अगर आप अरेस्ट करोगे तो आज की रात मुंब्रा में 1 लाख आदमी मेरे लिए सड़क पर उतर आएगा, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं हो करके आ रहा हूं। आज जो हुजूम उमड़ा था, आज जो इंकलाब वहां बरपा था, मेरे भाई आज मैं आपसे शायरी सुना करके गुफ्तगू करने नहीं आया हूं। शमीम भाई आ जाए, कोई नहीं आएगा, सारे लोग पीछे रहे, कोई नहीं आएगा। शमीम भाई आ जाए, शमीम भाई आ जाए, आ जाए मेरे भाई। आज मेरा मकसद आपको शायरी सुनाना नहीं है, अंदर कोई नहीं आएगा ग्राउंड में। मैं सलाम करता हूं शमीम साहब को कि जब पिछले 25 दिसंबर को यह मुशायरा होना था जो हर साल होता है, तो शमीम भाई से मेरी बातचीत हुई। मैंने शमीम भाई से कहा कि शमीम भाई जब 2 डिग्री टेम्परेचर में शाहीन बाग में हमारी माएं बैठी हों तो हम मुशायरा करें तो यह अच्छी बात नहीं है। शमीम भाई ने कहा इमरान भाई लाखों रुपए खर्च हो चुके होंगे प्रचार पे, स्टेज पे, लेकिन हम कैंसिल करते हैं ये मुशायरा, इसे नहीं करेंगे। लेकिन इस बार मैंने खुद इन्हें फोन करके कहा कि शमीम भाई 26 जनवरी जमहूरियत के जश्न का दिन है, एहतजाज के नाम पे मुशायरा करिए, लाखों लोगों को इकट्ठा करिए और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बता दीजिए कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, हम तुम्हारी बात के खिलाफ खड़े हैं। मैं आज आपको शायरी सुनाने नहीं आया हूं मेरे भाई, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि मैंने सिर्फ लफ्जों में, मैंने सिर्फ अशार में NRC और CAA की मुखालफत नहीं करी है। पिछले 45 दिनों से अपने माथे पर बांध करके लिख करके घूम रहा हूं कि हम तुम्हारी NRC को नहीं मानते, हम तुम्हारी CAA को नहीं मानते हैं। आखिरी शख्स के तौर पर आपके बीच खड़ा हूं। 20-25 मिनट का वक्त है, आधे घंटे का वक्त है मेरे पास, मैं 10 मिनट का वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि 45 दिन से नारे लगाते लगाते आवाज जो है वो बिल्कुल इस मुल्क की हालत जैसी हो गई है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं कि जुल्मतों पर
चराग भारी है। जो पिछले 45 दिन की मेरी हिम्मत है उसके लिए मुझे, मैं आपका साथ चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा कोई मुशायरा, मैं नहीं गया किसी जलसे में, मैं खड़ा हुआ था माओ के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, मैं खड़ा हुआ था जामिया के बच्चों के साथ। मैं जानता था कि मेरा फर्ज है कि मैं इस वक्त उनके साथ खड़ा नजर आऊं। मैं पढ़ता हूं, मैंने कुवैत का मुशायरा छोड़ा, मैंने हिंदुस्तान के मुशायरे छोड़े। मैंने कहा कि इमरान की जरूरत इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों को है, मुशायरों को नहीं है। मैंने वो काम किया है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं कि जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मोदी जी आपकी हुकूमत पर। अगर सच्चा मिसरा हो तो हाथ उठे आपका। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है। मुमरा वालों, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो के डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। अमित शाह साहब कहते हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं मुमरा में खड़ा होकर कह रहा हूं कि अमित शाह साहब, अगर आप एक इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। इस बार हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। और मुमरा वालों, लड़ाई आप जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। परेशान है वो, बौखला गए हैं, बौखलाहट में बहुत कुछ कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि खवातीन को उतार दिया गया है, औरतों को चौराहे चौराहे बैठा दिया गया है। अरे योगी जी, आपने घंटा घर की उन महिलाओं के वीडियो नहीं देखे हैं जो अपनी पीठ पर, अपने पेट पर अपने बच्चों को बांध करके इंकलाब का नारा लगा रही हैं? मैं उन्हें देख रहा हूं तो मुझे रानी लक्ष्मीबाई नजर आ रही हैं, मुझे ज्योतिबा फुले नजर आ रही हैं, मुझे बेगम हजरत महल नजर आ रही हैं। अपनी जबान सुधारिए। अमित शाह साहब, आप जो बोल रहे हैं दरअसल वो गृह मंत्री की जबान नहीं है, वो गुंडे की जबान है। अपनी जबान को सुधारिए, आइए लोगों से संवाद करिए, इनसे बात करिए। ये कह रहे हैं कि हम आपके काले कानून को नहीं मानेंगे। मैं एक नज्म पढ़ता हूं के होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो, तैयार रहिएगा। होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, कि सिर्फ मसले नहीं मजहब ओ दीन के। ये लड़ाई मजहब की नहीं है। मेरठ के एसपी साहब कह रहे थे कि हम पाकिस्तान चले जाओ, हम गली ठीक कर देंगे। अरे एसपी साहब, पगला गए हैं का? ये आवाम इसीलिए तो सड़क पे उतर आई है कि ये पाकिस्तान नहीं जाएगी, यही तो नारा लगा रही है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सिर्फ मसले नहीं मजहब ओ दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जम्हूरियत के गुनहगार को। मेरे साथ गाइएगा अगला जो मिसरा आएगा। तुझसे जम्हूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को,
मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरी अकेले की आवाज से काम नहीं चलेगा, यहां मौजूद एक एक शख्स कहेगा कि मैं नहीं मानता। जब मैं नहीं मानता आएगा तो आपको भी बुलंद आवाज में मेरे साथ गाना पड़ेगा कि सिर्फ मसले नहीं मजहब व दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जम्हूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, के ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे, मैं तो ऐलान उनकी छाती पे खड़े होकर दिल्ली में कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा आधार कार्ड चाहिए तो जाइए आगरा, देखिए ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड। आपको हमारा पैन कार्ड देखना है तो जहां आप रहते हैं वहां से 2.5 किलोमीटर दूर खड़ा है कुतुब मीनार, वो है हमारा पैन कार्ड। अगर आपको जानना है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जाइए लाल किला खड़ा है, वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। और अगले मिसरे पे, अगली बात पे आपकी तालियां बजेंगी। वो कहते हैं कि बर्थ प्लेस बताओ, कहां पैदा हुए थे ये बताओ। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जहां आप रहते हैं वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब भी मौजूद है जामा मस्जिद की सीढ़ियां, वो है हमारा बर्थ प्लेस, वो है हमारा बर्थ प्लेस, जाइए वहां देख लीजिए। इस बार हम डरेंगे नहीं, हम डरने के इरादे से नहीं हैं मैदान में। हमारी माएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं 2.5 डिग्री टेम्परेचर में, 3 डिग्री टेम्परेचर में। 90 साल की अस्मा खातून शाहीन बाग में मैं खड़ा रहा हूं उनके साथ कई कई बार। मैंने देखा है जामिया में निहत्थी बच्चियों पर बरसती हुई लाठियां। मेरा जमीर कहता है कि इमरान ये वक्त, मैं आपको बताऊं ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे बन गया। जिस दिन जामिया का ये मसला हुआ था, बच्चियों पे लाठियां बरसी थी, मैं एम्स जा रहा था एक बच्चे को देखने के लिए, फहद चौधरी को देखने के लिए। मेरी अम्मी का मुझे फोन आया, गांव की सीधी सादी अम्मी है, उन्होंने मुझसे कहा कहां हो, मैंने कहा दिल्ली में हूं। उन्होंने कहा अगर खून ठंडा ना हुआ हो तो जाओ जामिया के बच्चों के साथ खड़े हो जाओ, ये वक्त घर में बैठने का नहीं है। ये आंदोलन इसलिए बड़ा बना है, ये आंदोलन किसी इमरान किसी शमीम की वजह से बड़ा नहीं बना है मेरे भाई, ये आंदोलन 90 साल की अस्मा खातून की वजह से बड़ा बना है। ये आंदोलन मुंब्रा में भी जो माएं बहनें बैठी हैं CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ, उनकी वजह से बड़ा बना है। मैं उन्हें भी सलाम करता हूं, मैं दुनिया की तमाम उन बहन बेटियों को सलाम करता हूं जो मुसलसल लड़ रही हैं। और आपसे भी कहता हूं डरना मत। इस वक्त अगर पुलिस एक लाठी मारती है, अगर आपके खिलाफ एक मुकदमा करती है तो वह तमगा है, उसे इनाम समझो। मैं आज जा रहा था तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मत जाओ, लाठी चल सकती है, जेल जा सकते हो। मैंने कहा अगर मेरे ऊपर लाठी चले और मेरे बदन से खून टपके तो शायद वो इंकलाब की बुनियाद बने। मैं जाऊंगा, मैं खड़ा हूं अपनी आखिरी सांस तक, इस बार पीछे नहीं हटेंगे हम। और आपसे भी कहता हूं डरना मत। तुम वो हो जिनके अजदाद ने दरियाओं के सीने चाक किए हैं, तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने, जिनके अजदाद ने, जिनके पुरखों ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं, तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के उन्हें वापस भेज दिया, अरे तुम वो हो जिनके पुरखों के घोड़ों की टापों ने दुनिया नापी है। तुम तब नहीं डरे जब 72 थे, तुम तब नहीं डरे जब 313 थे, आज क्यों डरते हो? आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है, डरना मत। ये लड़ाई इस बार डरने की नहीं है मेरे भाई, मैं इसलिए आपके बीच में यही कहने आया हूं। ये जो सामने तिरंगा लहरा रहा है, अमित शाह साहब, आप कहते हैं, मैं एक दिन दरभंगा था,
कम से कम 70 से 80 हजार की भीड़ थी। मुझसे 40 किलोमीटर दूर वैशाली में अमित शाह साहब थे, 4 हजार की भीड़ थी, और वो वहां कह रहे थे कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं वहां खड़ा होकर कह रहा था कि पीछे तो हटना पड़ेगा, पीछे तो हटना पड़ेगा। आप इसलिए नहीं हटना चाहते एक इंच क्योंकि पीछे अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हुई है उसकी खाई है। आप कहते हैं कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं, ये मुसलमानों को सिर्फ नागरिकता नहीं दे रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमानों को, बल्कि पद्मश्री भी दे रहे हैं। कल अदनान सामी को नागरिकता के अलावा पद्मश्री भी दी। ये झूठे लोग हैं, अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब झूठे हैं। योगेंद्र बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमने बड़े निकम्मे प्राइम मिनिस्टर देखे, बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। ये झूठे लोग हैं, इसलिए मैं अलग ऐलान कह रहा हूं, मैं नहीं मानता के ऐ हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ, हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर आजकल, जामिया के एक बच्चे की लाइब्रेरी में घुस के आंख फुड़वा दी, एक आंख उसकी फूट गई। अमित शाह साहब, हो सकता है हम आपको पसंद ना हो, हम आपको वोट ना देते हो, लेकिन रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती है। आप आंख फुड़वा दे रहे हैं मुमरा वालों। मैं अलग ऐलान ये कह रहा हूं कि पहले पानी बरसता था पर आजकल खून ही खून की बारिशें हर तरफ। इस कहानी के खूंखार किरदार को जालिमों कातिलों के मददगार को मैं नहीं मानता। शमीम भैया मेरी बात सुनो, नहीं ये जश्न का दिन नहीं है, ये नहीं, ये गलत बात है। प्लीज नारा लगाओ, ये जश्न का दिन नहीं है। अरे इंकलाब, कमजोर आवाज है, ऐसे काम नहीं चलेगी। मैं 45 दिन से नारा लगा रहा हूं, आज आप मेरी आवाज बैठी है तो मेरी आवाज से बुलंद आवाज में नारा लगाओ, अरे इंकलाब, अरे इंकलाब। मेरे भाई, सरकार डरी है, बंगाल जीतना चाहते थे लेकिन वहां ममता बनर्जी शेरनी की तरह अड़ गई है। मैं तो अभी गया था बंगाल, मैंने वहां खड़े होकर मोदी जी से कहा कि सूरज है यहां पर कोई जुगनू न चलेगा, तू कितना भी सर पटके यहां तू न चलेगा, ममता नहीं साक्षात है दुर्गा तेरे आगे, दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। वाह वाह, मैं बंगाल में कह के आया हूं, वो बंगाल जीतना चाहते थे। जब चाणक्य ये कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो ये समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस बार चाणक्य की चाणक्य ही चली गई, झारखंड हार गए। इमरान भाई आधे मिनट का मौका दे दीजिए, बस दिल्ली हारने जा रहे हैं। आधे मिनट में एक बात कह लेने दीजिए। इमरान भाई के पढ़ने के बाद में हमारी आखिरी शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को भी अपना कलाम पेश करना है। मैं ये इत्तला आप तक पहुंचा रहा हूँ, अब इमरान प्रतापगढ़ी को हम सुनते। दिल्ली हारने जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा मुमरा वालों के तानाशाह को दिल्ली की गद्दी से भी हटना पड़ेगा, और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। नज्म पर बवेला हुआ, FIR हुआ, मैं चाहता हूं आखिर में मेरे साथ यही नज्म गा दो फैज की, आज शायरी सुनाने का दिन नहीं है, मेरे साथ गाना। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। सिर्फ ये आगे वाले गा रहे हैं, आप लोगों को क्या दुश्वारी, आप लोग क्यों नहीं गा रहे? बड़ी अजीम नज्म है, फैज की नज्म है, इसे गाइए, मेरे साथ गाइए। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अजल में लिखा है,
हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे कि जब जुल्मो सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे। हिटलर को भी बहुत गुरूर था, लेकिन एक दिन दुनिया ने देखा कि हिटलर अपने कमरे में खुदकुशी करके मर गया था। तानाशाहों के अंजाम यही हुआ करते हैं, यही होगा और हम देखेंगे। मैं पढ़ता हूं कि जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरू पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे कि जब अर्ज़े, आखिरी मिसरे है, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मर्दूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अरे इंकलाब, जिंदाबाद।